मेरे को शायद समझ में आया। वेलकम टू स्वागत। मरवाएगा यार। गाली क्यों दे रहा है? गाली? डर्टी बॉय। गालियाँ सब ठीक में समझ में आ गई? Welcome to Double Red Toothpaste presents Entertainment Ki Raat, powered by Hype Star. भाई तेरे को पता है, हम लोग बोल के नहीं उतने पैसे कमाते जितने बिना बोले कमा लेते, पता है? तुषार गोलमाल में बिना बोले, श्रेयस इकबाल में, कुणाल कब गूंगा बने थे? शादी भी तो होगी ना, फिर आदमी चुप ही रहता है उसके बाद। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, जो ग्रेट खली वो भी पंजाब से आते हैं, वो शादी के पहले साफ साफ बोलते थे, पता है? अच्छा, जैसे शादी करते हैं। सवाल, गोलमाल के वक्त क्या आप तीनों को एक दूसरे की पेमेंट पता थी क्या? पेमेंट? पेमेंट? तुझे पेमेंट मिली? इसने चारों गोलमाल किए, ओके, पेमेंट सिर्फ इसे मिली। तुझे मिली? नहीं, मुझे पार्टनरशिप मिली थी, सो आई एम रियली नो कंप्लेंट्स। मुझे आगे तीनों गोलमाल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो मुझे पेमेंट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको भी लॉलीपॉप चसवाते हैं प्रोड्यूसर साहब? हम ऐसे शोज में फिर आके कमा लेते हैं। यू आर गेटिंग पेड हियर? यू आर गेटिंग पेड हर जगह पैसे ले रहे। सर, अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मिठाई की दुकान से आ रही है, किधर से आ रही है? बता कुणाल, कैसे आ रही है? ऑडियंस की दुआ है और उनका प्यार, वही बेच बेच के मैं सब ला रहा हूँ। जीतू सर, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हमारी इंडस्ट्री के, तो घर पे भी अक्सर हम लोग फिल्म देखते ही होंगे, आप लोग, आपकी फिल्म भी, सर की भी, तो कभी ऐसा हो कि आप उनकी कोई फिल्म देख रहे हैं और आपको कोई सीन लगा कि यार ये सीन ठीक नहीं, आपने बोला कि पापा ये क्यों किया आपने, और उन्होंने तभी रिमोट उठा के आपकी क्या कूल है हम लगा दी, और आप बोले अरे मैं तो प्रैंक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए? नहीं, फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बचपन में ऑफ कोर्स उनकी फिल्में देखता था, तो लाइक एनी चाइल्ड, अगर वो शराब के नशे में धुत कोई सीन कर लेते थे, तो इट यूज़ टू बी वेरी एम्बैरेसिंग, क्योंकि एक अजीब लगता था कि व्हाई इज़ माय डैड बिहेविंग लाइक दिस एंड व्हाई इज़ ही वॉकिंग एंड टॉकिंग लाइक दिस। लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन, उनको क्या कूल है हम बहुत अच्छी लगी थी। Yes, आप मुझे बताएं, आपने पोस्टर बॉयज की सनी देओल और बॉबी देओल के साथ डायरेक्ट भी की है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग विद सनी पाजी ऑफ द 2.5 किलो का हर्ट फेम? जब मैं उनको ये नरेट ही करने गया था ना, तो मैं बोला यार सनी पाजी को सुनाना है, और ये कैसे सुनाएंगे, मतलब दी ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको मैं जाके बोलूंगा सर कहानी ऐसी है कि आपका पोस्टर छपेगा सर नसबंदी वाला। तो मैं जब सुनाने लग गया, तो मैं पहले ऐसे बैठा था एंड माई राइटर वॉज राइट नेक्स्ट टू मी, तो वो सारा बोल रहा था ऐसे ऐसे होता है वगैरह वगैरह, एंड जब वो बात आई सुनाने वाली, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मैं बोला अगर 2.5 किलो का हाथ पड़ा तो भाई इस पे पड़ने दे। श्रेयस, आप इतनी अच्छी मिमिक्री करते हो, कभी सेट पे मतलब गलती से कभी निकला नहीं मुंह से कुत्ते? होता था। हम लोग जनरली मिमिक्री वगैरह टाइम पास करते रहते थे, धर्मपा जी की भी और सनीपा जी की भी, तो ऐसे वो पीछे बैठे रहते थे, पता नहीं कब चुपचाप आके बैठ गए, और मैं मॉनिटर पे मैं बता रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि क्या करना है, लाइटिंग कैसी चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैं अपने असिस्टेंट को बोला कुत्ते वहां जाके खड़े रहे। यूजुअली आई यूज टू गेट अ रिस्पॉन्स, तो मैंने बोला और सब शांत थे, क्या देयर अ लुक, चलो चलो। I asked this question because I was shooting with Esha once, और गलती से मेरे मुंह से अचानक पता नहीं क्या हो गया, मेरे को पता दिमाग में क्या चला गया, यू के ये कौन बोला? She was इतनी भड़की मुझके बाबे, ए डोंट डू दैट। सनी पाजी पहली पसंद थे फिल्म के लिए आपकी?